सुप्रीम कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ ही दोषियों की रिहाई को बरकरार रखा है। बता दें कि कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश शासन ने रिहा करने के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके अच्छे आचरण को देखते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। इस पर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और 8 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। ऐसे में आज हम आपको मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की वो कहानी बताएंगे जिसने अमर मणि त्रिपाठी के सितारों को गर्दिश में मिला दिया और उन्हें 2 दशक जेल में बिताना पड़ा। तारीख थी 9 मई 2003। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी में सिर्फ 24 साल की उभरती हुई कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उनके 2 कमरों के अपार्टमेंट में घुसकर बेहद करीब से उन्हें गोली मारा था। जिस वक्त मधुमिता शुक्ला को गोली मारी गई थी उस वक्त वो 7 महीने की गर्भवती थी। हालांकि उनकी गर्भवती होने की जानकारी बाद में सामने आई थी। नौकर ने खोले थे अहम राज। मधुमिता शुक्ला की हत्या की खबर जैसे ही सामने आई कुछ ही मिनटों में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को मधुमिता के नौकर ने जो जानकारी दी उससे हड़कंप मच गया। मधुमिता के घर काम करने वाले देशराज ने पुलिस को अमन मणि और मधुमती के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी दी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और अमन मणि कद्दावर मंत्रियों में शामिल थे, इसलिए पुलिस बेहद संभल कर जांच कर रही थी। जब मधुमिता के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके बॉडी को गृह जनपद लखीमपुर भेजा जा रहा था तो रास्ते में एक पुलिस अधिकारी की नजर मेडिकल रिपोर्ट पर लिखी एक टिप्पणी पर पड़ी। मेडिकल रिपोर्ट पर जो लिखा था उसने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। गर्भवती थी मधुमिता। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था। मधुमिता शुक्ला के प्रेग्नेंट होने की जानकारी सामने आने के बाद दोबारा जांच कराई। डीएनए जांच में सामने आया कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा नेता अमर मणि त्रिपाठी का है। शुरुआत में इसकी जांच सीबीआई सीआईडी को दे दी गई। कहा जाता है कि इस केस में अमर मणि त्रिपाठी को क्लीन चिट नहीं दिए जाने के कारण तत्कालीन राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी के महानिदेशक महेंद्र लालका को निलंबित कर दिया था। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि ने किया संघर्ष। चूंकि अमर मणि त्रिपाठी उस समय मंत्री थे और सरकार में उनका प्रभाव था, इसलिए मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को लगने लगा कि उनकी बहन को न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम अमन मणि त्रिपाठी के लिए काम कर रहा था। अपनी बहन को न्याय दिलाने और हत्यारों को जेल पहुंचाने के लिए निधि शुक्ला बड़े बड़े मंत्रियों और अफसरों से मिलती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद निधि शुक्ला बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए केस को लखनऊ से दिल्ली या फिर तमिलनाडु ट्रांसफर करने की मांग की। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 2005 में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड केस को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने किया पर्दाफाश। जांच के दौरान एक तरफ मधुमिता हत्याकांड में रोज नई नई जानकारी सामने आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर निष्पक्ष जांच के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा था। विपक्ष के तेवर और बढ़ते दबाव की वजह से बीएसपी सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की पहल करनी पड़ी। केस हाथ में लेते ही सीबीआई ने 2003 के सितंबर महीने में अमन मणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान जेल में रॉक कॉन्सर्ट करते थे अमर मणि त्रिपाठी। अमर मणि त्रिपाठी ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत की हर संभव कोशिश की, लेकिन अदालतों ने उनकी याचिका को ठुकरा दिया। अमर मणि त्रिपाठी का रसूख इस कदर था, जब मधुमिता हत्याकांड की जांच चल रही थी तो उन्हें उनकी पत्नी के साथ गोरखपुर जेल में रॉक कॉन्सर्ट करते हुए पाया गया था। जिस साल जीता चुनाव उसी साल मिली सजा। इसी दौरान 2007 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें जेल में रहते हुए अमन मणि त्रिपाठी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर सीट चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के निकटतम प्रतिद्वंदी कौशल किशोर को लगभग 20,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो इस दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे, जिस वजह से इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के मामले को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। देहरादून का फास्ट ट्रैक कोर्ट हत्या के 4 साल बाद यानी 24 अक्टूबर 2007 को अमन मणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजा रोहित चतुर्वेदी
और शूटर सतीश राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि इसके बाद भी यूपी के सियासी गलियारों में अमन मणि त्रिपाठी का दबदबा कम नहीं हुआ। इस हत्याकांड में देहरादून की अदालत ने इन चारों को तो दोषी करार दिया, लेकिन एक अन्य शूटर प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हालांकि बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडे को भी दोषी पाते हुए इस मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी, जिसके बाद से ही अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी इस मामले में जेल की सजा काट रहे थे। अपहरण कांड में भी आया था अमर मणि त्रिपाठी का नाम। अब बात अगर अमर मणि त्रिपाठी के राजनीतिक रुतबे की करें तो हत्याकांड में नाम आने से पहले महाराजगंज जिले का नौतनवा विधानसभा सीट यूपी के उन चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में शामिल था जहां चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश की नजर रहती थी। इसका मुख्य कारण अमर मणि त्रिपाठी ही था। इस विधानसभा में अमर मणि कई बार विधायक रहे और कल्याण सिंह के सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। हालांकि कल्याण सिंह सरकार में एक अपहरण कांड में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद अमर मणि त्रिपाठी का राजनीतिक करियर धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ता गया। बाद में अमर मणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अमन मणि को सौंप दी, लेकिन वो भी पत्नी की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहा है। अब अच्छे आचरण की वजह से राज्यपाल ने अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है और एक बार फिर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने इसका विरोध किया है।